हमारे लिए आज की तलावत तकवीन की किताब उसका 21वां बाब 5 आयत फिर 8वीं से 20वीं आयत तक। और इब्राहिम उस वक्त 100 वर्ष का था जब उसका बेटा इजहाक पैदा हुआ, और लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी ज़ियाफ़त की। और जब सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उससे इब्राहिम के लिए पैदा हुआ था ठट्ठा करता है, तो उसने इब्राहिम से कहा कि इस लौंडी और इसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इजहाक के साथ वारिस ना होगा। और इब्राहिम को अपने बेटे की खातिर ये बात बुरी मालूम हुई, और खुदा ने उसे कहा कि ये बात इस लड़के और तेरी लौंडी की बाबत तुझे बुरी ना लगे, सब कुछ जो सारा ने तुझे कहा है उसकी बात सुन, क्योंकि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी, मगर मैं लौंडी के बेटे को भी एक बड़ी कौम बनाऊंगा, क्योंकि वो भी तेरी नस्ल है। तब इब्राहिम ने दूसरे दिन सुबह को उठकर रोटी और पानी का मशकीज़ा लिया और हाजरा के कंधे पर रखा, और लड़का उसके हवाले करके उसे रुखसत किया, और वो रवाना हुई और बेरेशाबा के जंगल में भटकती फिरी। और जब मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया तब उसने लड़के को वहाँ के दरख्तों में से एक के नीचे डाला और आप चली गई, और उसके सामने दूर एक तीर पर ताब के फासले पर बैठी, क्योंकि उसने कहा मैं लड़के को मरता नहीं देखूंगी। और वह सामने बैठकर बुलंद आवाज़ से रोई, और खुदा ने लड़के की आवाज़ सुनी, और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और कहा ऐ हाजरा तू क्या कर रही है, ना डर, क्योंकि खुदा ने लड़के की आवाज़ जहाँ से कि वो पड़ा है सुनी है, उठ लड़के को ले और उसका हाथ पकड़, क्योंकि मैं इसे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। और खुदा ने उसकी आंखें खोली, और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर वहाँ से मशकीज़ा भरा और लड़के को पानी पिलाया, और खुदा उस लड़के के साथ था वो बड़ा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो।